दोस्तों, भारत की प्रमुख ऑटोमोबाइल कार निर्माता कंपनी महिंद्रा भारत में जल्द ही महिंद्रा बलेरो के नए अवतार को पेश कर सकती है। कंपनी ने हाल ही में अपनी महिंद्रा बलेरो को नियो के रूप में पेश करा था। अब कंपनी इसका एक स्पोर्टी प्लस वेरिएंट भी लेकर आ रही है, जो कि नया TUV 300 का भी अवतार माना जा रहा है। ये नया अवतार दोस्तों महिंद्रा बलेरो किस नाम से लॉन्च करेगी, ये अभी साफ नहीं हो पाया है, पर जल्द ही इसे मार्केट में पेश करने की खबरें सामने आ रही है। कंपनी के मुताबिक महिंद्रा इस गाड़ी को इस साल के अंत तक या तो नए साल की शुरुआत में पेश कर सकती है। सूत्रों की माने तो कंपनी इस SUV में कई तरीके के बदलाव करेगी। कंपनी ने इसमें मौजूदा TUV 100 का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करा है इस गाड़ी को बनाने के लिए। गाड़ी में आपको डिजाइन में थोड़े बहुत फेरबदल और इसमें कई सारे न्यू जनरेशन फीचर्स एड ऑन होके ये गाड़ी आपको एक बेहतरीन इंजन के साथ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, गाड़ी की प्राइस की बात करें तो ये गाड़ी तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए के अंदर बेस वेरिएंट एक्स शोरूम मॉडल में लॉन्च करी जाएगी। अगर हम बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल और बैक प्रोफाइल के बारे में, तो गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल में आपको शानदार प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि शानदार LED DRLs और डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ आएगा। उसके अलावा दोस्तों, गाड़ी में आपको सामने की तरफ महिंद्रा की शानदार 7 स्लॉट क्रोम ग्रिल देखने को मिलेगी, जो कि महिंद्रा के नए लोगो के साथ आने वाली है, जो कि आपको XUV 700 में देखने को मिलता था। साथ ही साथ नीचे की तरफ आपको शानदार फॉग लैंप्स इंटीग्रेटेड बम्पर के साथ देखने को मिलेंगे। वहीं बैक साइड में आपको एल आकार के फुल्ली LED टेल लैंप सेटअप और एक शानदार ग्लोसी ब्लैक कवर के साथ स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा। गाड़ी में आपको डुअल टोन बम्पर और डुअल टोन पेंट स्कीम के साथ ये गाड़ी साइड्स की प्लेट्स और कई जगह क्रोम एलिमेंट्स के साथ आने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, गाड़ी में आपको रूफ रेल्स और 17 से 18 इंच के डुअल टोन 5-स्पोक अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, जो कि गाड़ी को एक जबरदस्त स्पोर्टी और मस्कुलर लुक दे पाने में मदद करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो इसके इंटीरियर में आपको ज़्यादा स्पेस देखने को मिलेगा। ये गाड़ी थोड़ी बड़ी हो सकती है। इसमें आपको शानदार 7 से 9 सीटर सीटिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसका इंटीरियर फुल्ली लेदर प्रीमियम क्वालिटी के साथ आएगा, जिसमें आपको डुअल टोन डैशबोर्ड, पावर स्टीयरिंग, 6 PDMD गेयरबॉक्स और सनरूफ भी देखने को मिल सकती है। साथ ही इसमें आपको एड ऑन फीचर्स के तौर पर एक बड़ा 10 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एड ऑन करा गया है, जिसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, क्लाइमेट कंट्रोल जैसे शानदार फीचर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें आपको स्टैंडर्ड तौर से एयर प्यूरीफायर भी देखने को मिलेगा। गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक AC और कई सारे सेफ्टी फीचर्स भी मुहैया करवाए गए हैं, जैसे कि इसमें आपको 4 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, 4 पार्किंग सेंसर, कैमरा सेंसर और कई सारे जबरदस्त सेफ्टी फीचर्स गाड़ी में स्टैंडर्ड रूप से देखने को मिल जाएंगे। भारतीय बाजार में इस गाड़ी में आपको इंजन की बात करी जाए तो कंपनी इसमें आपको न्यू जनरेशन का MHOG BS8 1.5 लीटर का 3-सिलेंडर इंजन का योग करेगी। ये इंजन 100 HP की पावर और 240 Nm का टॉर्क जनरेट कर पाने में सक्षम होगा। साथ ही साथ दोस्तों, कंपनी इसका एक फ्यूल एफिशिएंसी वाला CNG वेरिएंट भी लेकर आ रही है, जिसका माइलेज 30 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर के रहने की संभावना है। भारतीय बाजार में ये गाड़ी इस साल के अंत तक लॉन्च होने की संभावनाएं बताई जा रही है। तो दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको ये महिंद्रा बलेरो का नया अपडेटेड वर्जन कैसा लगा, क्या आप इसको खरीदने की सोच रहे हैं, या तो इसका डिज़ाइन पसंद आया आपको, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को आम आदमी तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।